हम सब ने भगवान श्री शिवशंकर जी के प्रतिमा का या मूर्ति का दर्शन अवश्य लिया होगा। ध्यान में मग्न प्रसन्न शांत मुद्रा, भस्म से लिप्त पवित्र शरीर, गजचर्म धारण, हाथ में त्रिशूल जिस पर दिव्य डमरू और गले में नाग का दर्शन हमने अवश्य किया होगा। मानवीय स्वरूप में विश्व के सृजन को कारण बनी उस ईश्वरी ऊर्जा का प्रतीकात्मक स्वरूप दिखाने की परंपरा पुराणों में पाई जाती है। इस स्वरूप में उनका मानवीय दर्शन कराने से भक्तों को उनकी ऊर्जा को समझने और उनके हृदय में भगवान श्री शिव जी की भक्ति निर्माण होने में सहायता होती, ऐसा माना जाता था। ध्यान मुद्रा ये अंतर्मुख होना या आत्मचिंतन करने का प्रतीक माना गया है। भस्म का लेपन ये यज्ञीय भस्म का यानी यज्ञों के माध्यम से जो रक्षा या भस्म निर्माण होता है उसकी स्मृति में उसका स्वरूप माना गया है। हाथ में जो त्रिशूल हमको नजर आता है वो त्रिगुणात्मक सृष्टि का वर्णन है, सत्व और रजतम से बनी हुई इस विशाल सृष्टि का स्मरण कराता है। डमरू का नाद जो है वो ओमकार का नाद है, सृष्टि का कारण बने उस पवित्र ऊर्जा का जो नाद का वर्णन किया गया है इसको ब्रह्मनाद भी कहा जाता है। ओमकार के उस पवित्र नाद का स्मरण डमरू के आवाज से हमको होता है। उनके गले में जो सर्प का या सांप का दर्शन हमको मिलता है वो अपने शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। योगाभ्यास में और योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति का वर्णन आया है जिसे व्यक्ति में स्थित चैतन्य का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री शिव जी के संपूर्ण स्वरूप से यज्ञ के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, मंत्र के उच्चारण के माध्यम से जो आत्म चैतन्य की जागृति होती थी उसका स्मरण हमें होता है। अर्धोन्मिलित नयन या ध्यानावस्था से अंतर्मुख होकर इस पवित्र क्रिया के माध्यम से अपने आप में स्थित चैतन्य का प्रकटीकरण करके वैश्विक चैतन्य में एक रूप होना, ये उस पवित्र स्वरूप से हमको बोध मिलता है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकारं।